बिल्कुल भी ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा और सडनली हुआ और होता चला। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। कई दिनों से आपको एक बात कहना चाह रहा था कि मैं इतने दिनों से आप लोगों से टच में क्यों नहीं आया और यूट्यूब पे क्यों नहीं आया। कुछ ऐसी बातें हैं जो नहीं आ पाया। एक्चुअली मेरे लिए ना 2 साल बहुत ही बेकार है रहा है और बहुत ही बेकार रहा है। एक 2017 और 21 कोविड का टाइम और ये 2023 के अक्टूबर मेरे लिए सबसे बेकार रहा है। क्यों रहा है बेकार और किस चीज़ों से रहा है ये अभी बताता हूँ रोड क्रॉस कर। तो मेरी स्टार्ट होती है एक गांव से, मैं बिलोंग करता हूँ बलिया यूपी से, और फिर उसके बाद दिल्ली आ गया जॉब करने और फिर से दिल्ली में ही हूँ, अभी नोएडा में फिर आ गया। तो ये मेरी स्टोरी है और आप लोगों को मैं अपना बताने वाला था। ये पहले मैं रहता था गांव में, जब मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी बिल्कुल, उनको हुआ था कैंसर हुआ था और हाँ उससे सही हो गई थी, 2-3 साल सही रहा। उसके बाद हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई और मैं एक डिप्रेशन में चला गया था कि जब आपकी माँ नहीं होती है ना आप क्या फील करते हो शायद आप नहीं सुन, वो मैं समझ सकता हूँ, और जिनकी माँ नहीं होगी वो। तो इन चीज़ों में बहुत डिप्रेशन चल गया। शायद उस समय मैं ऐसे लोगों को ढूंढ रहा था कि बस वो कहे कि सिर्फ मैं हूँ तुम्हारे साथ, बट कोई नहीं मिला। वैसा टेंशन ना लो, सब ठीक होगा, ये कोई नहीं कहने वाला मिला। साथ कहते हुए थोड़ा इमोशनल हो रहा है। फिर वहाँ से सही चला, फिर कुछ लाइफ में प्रॉब्लम आई, चलो वो प्रॉब्लम छोड़ देते हैं। और अभी जो आप लोगों से कॉन्टैक्ट में था, आप लोगों से ब्लॉग आ रही थी, आप लोगों से बात कर रहा था, बट अब जो मेरी ब्लॉग नहीं आ रही थी, जब ये वीडियो पता नहीं आप लोग कब देखोगे, बात है 23 अक्टूबर 2023 नवरात्रि का दिन था, पापा की तबीयत ख़राब हुई, मुझे कॉल आया, ऑफिस में था, मेरे एक भैया हैं कज़न ब्रदर, उनका कॉल आया कि पापा की तबीयत ख़राब है, तुम आ जाओ हॉस्पिटल में। मुझे ऐसा लगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। फिर मैंने पूछा कि ज़्यादा नॉर्मल ख़राब है कि ज़्यादा है, उन्होंने कुछ नहीं बस थोड़ा बहुत गैस बनाया गए। फिर हॉस्पिटल गया और सब कुछ टेस्ट कराने के बाद से पता चला कि उनकी छोटी छोटी आंत में लीकेज है। बाल देख सकते हो मेरे, बहुत छोटे छोटे बाल हैं। फिर उससे गवर्नमेंट दिल्ली के हॉस्पिटल लगे जो कि सदरजंग है, वहाँ जाने के बाद से हुआ क्या कि डॉक्टर वहाँ पे भी वही बोला, ऑप्शन लिया सेकंड ऑप्शन, फिर ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद से OTD से डबल ICU में, वहाँ आने के बाद डॉक्टर ने बोला कि मैं कंफर्म कर दूंगा कि 5:30 बजे कि ये रहेंगे कि नहीं रहेंगे,
फिर 23-24 के शाम को पापा की डेथ हो गई। फिर जो आता है नॉर्मल मेरे लाइफ में 2023 अक्टूबर, बिल्कुल भी ये मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होगा और सडनली हुआ और होता चला गया। हम घर लेके आए, उसमें जो भी 12-13 दिन हुआ, 5 तारीख को 13 ही था नवंबर में, नवंबर दिसंबर, मतलब ये बिल्कुल आप कह सकते हो कि मैं डिप्रेशन टाइप में चला गया था। एक मिनट, मतलब ये 2023 जो है ना मेरे लिए सही नहीं है। आप लोग देखे होंगे, एक वीडियो भी डाला था पापा के साथ में मार्केट का। तो 23 जो है अक्टूबर में डेथ हो गया, फिर मैं सबसे कट आउट हो गया बात करना, ऑफिस में भी बहुत कम बात करना, अभी भी बात कम करता हूँ। सबको लगता है कि चीज़ें है डिप्रेशन, चीज़ें बात नहीं कर रहा, घमंड हो गया है, ये है वो है, किसी को भी ऐसे बोल रहा नहीं। मैं क्या फील कर रहा हूँ सिर्फ मुझे पता है। 2017 मम्मी का जाना, 2023 जो है पापा का जाना, बाकी ऊपर चल के बात करते हैं उससे रूम में। तो फिर यही सब होता चला गया 2023-24 को सडनली ऐसा हुआ, मतलब सब कुछ खो गया, कहीं गुम सा हो गया। फिर एक दोस्त से बोला, उसने बोला कि तुम YouTube पे क्यों नहीं वीडियो बना रहे हो, कुछ अपने आप को बिजी रखो, उस चीज़ को निकलो। आज मैं कह रहा हूँ, आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन ये डेथ हुआ था। मतलब जो भी मंगलवार आता है ना उस दिन, वो उनकी याद बहुत आती है। मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर नहीं कर पाता। कभी कभी मन करता है कि यार, खैर क्या बोलूँ इस पर। कभी रोया नहीं हूँ लाइफ में, कभी टूटा भी नहीं हूँ माँ बाप के जाने, बस टूट गया हूँ। अकेलापन महसूस करता हूँ, बाद में कनेक्ट होता हूँ आपसे। सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो गया था वीडियो पे, और थोड़ा सा कंट्रोल करके आया मैं। तो यही है, इसी वजह से मैं यूट्यूब पे नहीं आ रहा था, और फिलहाल आने की कोशिश करता हूँ डेली। नहीं आ पा रहा बीच में, तो उसके लिए सॉरी। और आप लोग सपोर्ट करिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है अब मुझे, और प्यार बनाइए, सपोर्ट करिए, अब प्यार दो बस, ठीक है। मैं आज तक किसी से तीखे बाज में बात नहीं कर किया और नहीं करना चाहता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। तो आप मुझे अपना प्यार बनाए रखो बस, और प्लीज़ सपोर्ट करिए कि ताकि मैं और वीडियो बनाऊँ अच्छा अच्छा तो आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे, हकीकत बता रहा हूँ कि बहुत ज़रूरत है। मैं कह नहीं पा रहा हूँ, अपनी अगर स्टोरी बताऊँ ना, आप लोग कह रहे होंगे, एक सेकेंड देखिए, ये मेरी मम्मी और पापा, खैर चलिए।
बाकी मिलेंगे कंटिन्यूस, मूड नहीं कर रहा अभी बात करने का, तो बाद में बात करेंगे, कभी अच्छे से बैठूंगा फिर बात करेंगे। पापा मेरे यहाँ तो इसलिए कहता हूँ कि बस माँ बाप को ना, लोगों को देखता हूँ कि अपने माँ बाप का रिस्पेक्ट नहीं करते, चीज़ नहीं करते, उनके ऊपर हाथ उठा देते, बिल्कुल ऐसा मत करो यार आप लोग। मैं कहता हूँ कि आप लोग नहीं करते, बट बहुत लोगों को देखा हूँ मैं, माँ बाप जो होते हैं ना। वो लाइट बंद हो गया था तो इसलिए अंधेरा हो गया था। चलिए मिलते हैं, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, चलिए बाय।